तो आपने तो सुना ही होगा कि बहुत से लोग कोई इंसिडेंट के बाद अचानक से गायब हो गए और उनकी मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हुई। कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस फैक्ट हम आपके लिए लाए हैं बिना टाइम वेस्ट किए चलते हमारे काउंटडाउन की तरफ। ऑस्टिन टाइस। ऑस्टिन टाइस यूएस के फॉर्मर मरीन कॉर्पोरेट ऑफिसर थे और फ्रीलांस जर्नलिस्ट थे, जो 14 अगस्त 2012 को सीरिया में रिपोर्टिंग के वक्त अगवा कर लिए गए थे। सितंबर 2012 में उनका 47 सेकंड का आंखें बंद किया हुआ एक वीडियो सोशल नेटवर्क पर दिखाई दिया, जिसमें उनके आंखों पर काला कपड़ा बंधा हुआ था और पीछे कुछ आतंकवादी नाइफ लिए खड़े थे। उसके बाद उनका आज तक पता नहीं चला कि क्या हुआ उनके साथ। कॉनी कॉनवर्स। कॉनी कॉनवर्स एक सिंगर और सॉन्ग राइटर थे जो 1950 में न्यूयॉर्क के फोल्क म्यूजिक सीन पे काम कर रहे थे। 1974 में अपनी मैनेजिंग डायरेक्टर की जॉब खोने के बाद कॉनवर्स ने खत लिखा अपने घर और दोस्तों को ये बताने के लिए कि वो अपनी नई जिंदगी स्टार्ट कर रहे हैं। अगस्त 1974 में उन्होंने अपने सामान को अपनी कार वोल्फसवैगन बीटल में लोड किया और कहीं दूर चले गए और फिर वो कभी नहीं दिखे। ईमा फिलिपोव। ईमा ने एम्प्रेस होटल में अपना रात का खाना खाया और वो अपने घर की ओर चली। तभी रास्ते में उनको अपनी दोस्त मिली। वो दोनों ने काफ़ी बातें की और फिर से ईमा अपने घर की ओर चली। कुछ 45 मिनट के बाद कुछ ऐसा हुआ कि ईमा अचानक से गायब हो गई और अभी तक उनका पता नहीं चला। जॉनथन स्पोलन। इंटरनेशनल हेरल्ड ट्रिब्यून एंड असिस्टेंट फॉरेन एडिटर इन अबू धाबी जर्नलिस्ट जॉनथन स्पोलन को आखिरी बार 3 फेब 2012 के दिन ऋषिकेश में देखा गया। 11 मार्च 2012 को स्पोलन का कुछ सामान फूलछट्टी के सड़क के आधे हिस्से में एक छोटे से झरने के पास मिला। स्पोलन का अभी तक कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ उनके साथ और ये केस अभी तक राज बना हुआ है। महमूद अत्ता। महमूद अत्ता ये फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के एक खुफिया आतंकवादी थे। अक्टूबर 1990 में उनको अपराधी मानकर उन्हें जेल में डाल दिया गया था, पर कुछ दिनों बाद उनको बेगुनाह साबित करके छोड़ दिया गया। बाद में वो गायब हो गए थे, पर यह माना जाता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे सेंटर में जो हमला हुआ था 2001 में उनका भी हाथ था उसमें, पर यह बात अभी तक सच्ची साबित नहीं हुई। कोटा रामास्वामी। कोटा रामास्वामी एक इंडियन क्रिकेटर थे जो इंडिया के लिए 2 टेस्ट मैच भी खेले थे। सन 1936 में वो 15 अक्टूबर 1985 के रात को अपने घर से टहलने के लिए बाहर निकले थे और तभी वो अचानक से गायब हो गए। उसके बाद ना उनका कोई नामो निशान मिला और ना ही उनके बारे में कुछ पता चला। स्टेसी एन पीटरसन। 28 अक्टूबर 2007 के रात को 11 बजे पीटरसन अपनी दोस्त के घर पेंट करने गई थी और वह उसके बाद अभी तक नहीं दिखी। उनके पति ध्रुव के सबूत के जरिए बताया कि स्टेसी उनके पहली पत्नी की दोषी है। स्टेसी के लापता होने की जांच में उनकी हत्या होने की आशंका साबित हुई। एलिसिया और लीविया शिप। एलिसिया और लीविया शिप तो जुड़वा बहनें थी। उनके पिता मैथियस कास्पर ने उनको अपनी कार में पिक किया अपनी माँ के घर से छुट्टियों के लिए। कुछ दिनों बाद उनके पिता मैथियस कास्पर ने फांसी ले ली और एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा था कि उन्होंने अपनी बेटियों की जान ली, पर वो ये नहीं लिखे थे कि उन्होंने क्यों किया। आशा डिग्री। 14 फेब 2000 के दिन डिग्री को आखिरी बार सुबह में देखा गया। वो कुछ डरी सी भाग रही थी नॉर्थ कैरोलिना हाईवे की तरफ और उस दिन काफ़ी ज़ोर से तूफानी बारिश चल रही थी। 3 दिन के बाद उनकी कुछ ज़रूरी चीज़ें मिली, जैसे कि कैप और बैकपैक जो 32 किलोमीटर दूर मिट्टी में दबा हुआ था। उसके बाद अभी तक उनका कोई पता नहीं चला कि वो कहाँ चली गई। उपाली विजयवर्धने। श्रीलंकन बिजनेसमैन उपाली विजयवर्धने अपने प्राइवेट जेट से कोलंबो की तरफ जा रहे थे, तभी उनका जेट अचानक से गायब हो गया।
13 अप्रैल 1983 के दिन उनको प्लेन और बोट से ढूंढना शुरू किए। बहुत ढूंढने के बाद भी उनका कुछ पता नहीं चला और ना ही उनके जेट क्रैश की कोई खबर मिली। आखिरी में लोगों ने उनको मरा हुआ घोषित कर दिया। दोस्तों, क्या आपको पता है आज के ही दिन 1877 में थॉमस एडिसन ने प्रैक्टिकल लाइट बल्ब, मोशन पिक्चर कैमरा और फोनोग्राफ इन चीज़ों की खोज की थी।